टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ढाबा स्टाइल एग करी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एग को इस तरह से फोक के सहायता से ऐसे कर लेते हैं। सारे एग्स को कर लेना है। पहले हम एग को शैलो फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर से बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी इसमें। अब इसमें मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। आप इसे स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है ये। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम तेल डाल देंगे। दो बड़े चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, 2-3 तेजपान, 4-5 लौंग, 1 बड़ी इलायची तोड़ के डालना है, 1 स्टार फूल और 2 इलायची, इसे भी तोड़ के डालना है। इसमें डालते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चा खून निकल जाए। दो बड़े प्याज की पेस्ट। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। इसमें डालते हैं 2 टमाटर की पेस्ट। इसे अच्छे से भून लेना है तेल बाहर निकलने तक। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, जीरा 1/2 चम्मच और काली मिर्च, स्वादानुसार नमक। इसे अच्छे से आप होने देते हैं। हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाने चाहिए। इसे हमने 2 मिनट भुना है। अब इसमें एग डाल देते हैं। हम इसमें गरम पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। अभी इसे होने देते हैं, एक बॉईल आने देते हैं इसे। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डाल के और 2 मिनट होने देते हैं इसे। बहुत ही बढ़िया हो गई है। वाह, बहुत ही बढ़िया एक करी बन के तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।